नोटों वालों को वोटों वाले हरा सकते हैं, प्रधानमंत्री जो बनना चाहते हैं वो सब पैसे वाले हैं, तो गरीब के बच्चे लोकतंत्र में क्या करेंगे। मीडिया पूरे पूरे दिन सरकार के लोगों को, विपक्ष के लोगों को दिखाएगा, और दूसरी तरफ बहुजन समाज के दलों को उनकी बड़ी बड़ी रैलियों की एक एक मिनट की कवरेज करके उनको इग्नोर करने का काम करेगा, और उसमें भी अपने मन के हिसाब से कहानी लगाने का काम करेगा जिस कहानी से उनको संतुष्टि हो। सम्मानित साथियों, 21 तारीख को दिल्ली में आंदोलन है। मुझे चिंता हुई, मेरी आज के लाइव का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मैंने देखा कि हमारे साथी पैदल, साइकिल से और छोटे छोटे साधनों से निकल पड़े हैं, मुझे इस बात का दुख हुआ कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आ रही है, गर्मी है, खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ नसीब होगा, इन सबकी परवाह से परे जो क्रांतिकारी इस आंदोलन को सफल बनाने, आहुति देने के लिए निकले, मैं उनको नीला सलाम पेश करता हूं, उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, उनकी ताकत को, उनके समर्पण को। जो काम पैसे देके नहीं कराया जा सकता, जो काम किसी लालच प्रलोभन में नहीं हो सकता, उससे आपको एहसास नहीं होगा आपकी इस ताजगी ने, आपके इस कार्य ने मेरे अंदर कितना जोश भर दिया। और क्योंकि समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको देख के रात भर, रात रात को नींद नहीं आती है। और जिस दिन समझ लेना चैन से नींद आ गई, उस दिन समझ लेना कि कहीं ना कहीं संघर्ष करने का जो मादा वो कमजोर पड़ गया है, अंदर सेटिस्फेक्शन आ गया। इसलिए सेटिस्फेक्शन किसी के अंदर नहीं आना चाहिए जब तक हम इस देश में समता, समानता, बंधुत्व और स्वाभिमान सम्मान का जीवन इस देश के वंचित वर्गों को ना दे पाए। मेरा पूरा परिवार ही ये बहुजन समाज है। इस देश का शोषित, वंचित, कमजोर, मजलूम समाज ही मेरा परिवार है, यही बताने के लिए मैं आज आपके बीच लाइव हूं। जिन्होंने मेरा मान सम्मान, हौसला और जिन्होंने मेरी ताकत को पुनः, इसी तरह के हालात तब हुए थे जब 2017 में निर्दोष होते हुए इतने सारे मुकदमे हमारे साथियों पर लगा दिए गए और मैं फरारी में चला गया, तब समाज ने एकजुट होके और मेरे साथ खड़े होके मेरा हौसला बढ़ा के मुझे एहसास कराया था कि चंद्रशेखर तो अकेला नहीं, ईमानदार से लड़ाई लड़, हम तेरे साथ। उसी हौसले ने मुझे इस पूरे व्यवस्था से, जो ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था, उससे टकराने की हिम्मत दी, उन लोगों से टकराने की हिम्मत दी जिनके पास सरकारें हैं, जिनके पास तंत्र है, जिनके पास संरक्षण है, जिनके पास धन है, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास माफिया है, जो चाहें तो हजारों लोगों के कत्लेआम करा दें, और जिन्होंने सदियों के इतिहास को आप पढ़ोगे तो जब जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठी उन्होंने कत्लेआम कराए। आज मैं निकला था, मुझे बताया गया कि भाई दिल्ली में पानी भरा हुआ, मैं देखने के लिए निकला था कहीं हमारे साथी हैं, कहीं परेशानी ना, तो उस तरह की स्थिति नहीं है। मैंने चेक की है, पानी की समस्या अब वहां नहीं है, और जहां प्रोटेस्ट पॉइंट है वहां तो है ही नहीं। ये प्रोटेस्ट हमारा जो लोकल के साथी हैं उनको बताना कि 5 बजे तक का रहेगा और ये प्रोटेस्ट पॉइंट पे ही है। वहीं से हम अपना राष्ट्रपति जी के नाम जो ज्ञापन है हमारी कमेटी जाके देगी, और फिर जो है हम लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे, जो आदेश निर्देश वहां से होंगे भविष्य के लिए उसका पालन करेंगे। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि 21 तारीख को आने के बाद चैन से नहीं बैठना है। अगर वास्तविकता में आपको अपने भाई से, इस आंदोलन से, हमारे लीडरशिप से, हमारे संघर्ष से प्यार है, तो फिर आपको अपने अपने क्षेत्रों में जाके पुनः इसी ताजगी के साथ काम करना है, जिससे कि अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां से आप आए वहां पर हमारा आंदोलन जमीन पर मजबूत हो सके। मैं पुनः आपके संघर्ष को, आपके हौसलों को सलाम पेश करता हूं, और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आपकी एक एक व्यक्ति का जीवन मेरे लिए बहुत कीमती है। जो लोग आसपास से मोटरसाइकिल चलाएंगे वो हेलमेट का प्रयोग करें अपनी सुरक्षा के लिए, और किसी भी तरह की असावधानी, जल्दबाजी ना करें, बहुत शालीनता से, अनुशासन में, संविधान के दायरे में आए, और जिसको जहां उपस्थित क्षेत्र में जगह मिले वहीं पर बैठ के अपने आंदोलन को मजबूत करें। इस
मन को बना के आए कि शाम के समय 5 बजे तक, जब तक आपका ज्ञापन का कार्यक्रम ना खत्म, तब तक आपको वहां टिके रहना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जबकि उसका स्पष्टीकरण दिया, मैं इसको इसलिए कंफर्म कर देता हूं कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं और हम भी टैक्स भरते हैं। जिस तरह से सरकार के प्रोग्राम में सरकारी तंत्र का प्रयोग होता है लेकिन टैक्स उसमें सबका होता है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बीजेपी की जो जहां सरकार है या कांग्रेस की जहां सरकार है, अन्य पार्टी जहां सरकार है, वहां उनके लिए तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं की जा सकती है। हम भी टैक्स देते हैं, हम भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी सामाजिक संगठन है, हमें भी अपने अधिकारों का प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए हमने रेल मंत्रालय को और परिवहन मंत्रालय को हमने पत्र देके ये कहा कि आप हमारे लिए जिस तरह से, क्योंकि हम लोग रैली और हमारा प्रदर्शन है, तो टोलों पे हमारे साथियों को व्यवस्था कराएं, क्योंकि हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर समाज है, तो उनको टोलों पे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो एक इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो उनको छूट दी जाए। और ये हम नहीं, ये बहुत सारे किसान साथी और तमाम साथी जब आंदोलन करते हैं दल जब कर, ये परमिशन दी जाती है। और हमने रेल मंत्रालय से भी मांग की कि क्योंकि जिस तरह से भारत की राजनीति में काशीराम साहब ने एक बड़ा परिवर्तन किया कि नोटों वालों को वोटों वाले हरा सकते हैं, तो हम भी जो है वोटों वाले हैं, जिस तरह से धनतंत्र की राजनीति देश के अंदर हो रही है कि पैसे वाले लोग ही विधायक बनेंगे, पैसे वाले लोग ही एमएलसी बनेंगे, पैसे वाले लोग ही राज्यसभा जाएंगे, पैसे वाले लोग ही लोकसभा जाएंगे, पैसे वाले लोग ही नीचे प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री जो बनना चाहते हैं वो सब पैसे वाले, तो गरीब के बच्चे लोकतंत्र में क्या करेंगे, क्या उनके सपने, उनकी उनके जो जिज्ञासा है, उनके अंदर जो परिवर्तन का, क्रांति का जो बिगुल जल रहा है, उसका क्या होगा। तो इसलिए, क्योंकि जिस दिन देश में आजादी आई उस दिन देश की धन धरती और राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, संसाधनों में, उद्योगों में बंटवारा नहीं हुआ, बिजनेस में पैसों में बंटवारा नहीं हुआ, तो जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो किस तरह से अपने पैरों पर खड़े, उनको भी अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि एक तरफ मीडिया पूरे पूरे दिन सरकार के लोगों को, विपक्ष के लोगों को दिखाएगा, और दूसरी तरफ बहुजन समाज के दलों को उनकी बड़ी बड़ी रैलियों की एक एक मिनट की कवरेज करके उनको इग्नोर करने का काम करेगा, और उसमें भी अपने मन के हिसाब से कहानी लगाने का काम करेगा, जिस कहानी से उनको संतुष्टि हो। इस निर्भरता को भी हम लोग बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं, अपना अखबार और समय आने पे अपना मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल बना के हम लोग इन आत्मनिर्भरताओं को, जो निर्भरता है उन लोगों पर, कि वही हमें दिखाएंगे, उसको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे।